अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं अंडे आलू का सालन, जिसके लिए हमें चाहिए आलू 4 अदद, योगर्ट 2 बड़े चमचे, जिंजर गार्लिक का 1 चमचा, प्याज 4 बड़ी स्लाइस करी हुई, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टमाटर और 3 हरी मिर्चें ली थी मैंने। स्पाइसेस में हमारे पास है पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, लौंगे, इलायची और काली मिर्चें। स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम अज़ा हमें अंडे आलू बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे और इसके बाद प्याज ऐड करेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन कलर की करेंगे। अंडे आलू बहुत मज़े की डिश है और जल्दी पककर तैयार भी हो जाती है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक मौसूल होगी। जब प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू में थोड़ा सा पानी था जो ये जम कर गया। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे। अगर आप चाहें तो प्याज को आप ग्लेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही तरीके से बनाती हूँ। टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जब टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरीके से भुनने लगेगा तो हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट इस टाइम पर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से पकाने के लिए रखेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आलू अंडे की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। जब आलू अच्छी तरीके से भुनने लगेंगे इसके बाद हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर दही भी ऐड कर देंगे। दही ऐड करने से पहले आपको फ्लेम लो रखनी है ताकि सालन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा दही ऐड करने से दही फट भी सकती है, इसलिए हमेशा किसी भी सालन में दही डालने से पहले सालन का टेम्परेचर नॉर्मल कर लें। सालन हमारा अच्छी तरीके से भुन रहा है। अब इसमें मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी ताकि हमारे सालन में अच्छे से शुरुआत भी हो जाए और आलू भी आराम से गल जाए। अब मैं इसे कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी। सालन कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है, हमें आलू के गल जाने तक इसे कवर करके पकाना है। अब 15 मिनट हो चुके हैं और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम सालन के अंदर तली हुई प्याज चूर कर ऐड करेंगे। दूसरी जगह पे हमारे अंडे बॉईल हो रहे हैं। अंडों को बॉईल कर एक प्याली में रख लें और सर्व करते हुए डिश के अंदर ऐड करें। आप चाहें तो बॉईल अंडे को हल्के से ऑयल में पहले फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन मैं बग़ैर फ्राई करे ही इसे सालन में ऐड करूंगी। ये देखें प्याज अच्छी तरीके से सालन के साथ पक रही है। आलू अंडे ग्रेवी वाला सालन होता है, इसलिए हमने इसमें अच्छा खासा शुरुआत रखा है। आलू अंडे का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड में इसके अंदर आप अदरक, हरा धनिया और 1 चमचा गरम मसाले का ऐड कर दें। आलू अंडे बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी।
काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।